एनबीएसपी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये सर्विस पोर्टल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में आप अपने नाम अवश्य चेक कर लें कि आपके नाम मतदाता सूची में है, और यदि अगर किसी कारणवश अगर छूट गया अभी भी तो कृपया अभी बढ़ा लें। 552 पोलिंग सेंटर्स हैं, पोलिंग स्टेशन लोकेशन है। इन सारे मतदान केंद्रों में अधिकारियों द्वारा लगातार भ्रमण करते हुए जो आवश्यक सुविधाएं हैं तो उसको भी वहां देने की कार्रवाई की जा रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर को 26 जोन और 116 सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग कर ली गई है। उनके द्वारा आने वाले दिनों में निरंतर भ्रमण करते हुए वहां के वोटर्स और इन पोलिंग बूथ के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, व्यय अनुवीक्षण के लिए विस्तृत रूप से टीमों का गठन किया गया है। इस बार खासतौर पे क्योंकि डिजिटल माध्यम से जो प्रचार प्रसार भी होगा, तो उसके लिए भी डिजिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी स्पेसिफिक टीम्स का गठन किया गया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में आपने देखा होगा कि लगभग जो कल की भी आपने केसेस देखी होगी, 1100 केसेस आई है प्रतिदिन, और लगभग वही आज भी हम उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगभग उसी के बराबर। कोविड केसेस की संख्या जरूर बढ़ी है और काफी तेजी से बढ़ी है विगत कुछ ही दिनों में, परंतु ये भी बात सत्य है कि ये जो थर्ड वेव में जो केसेस बढ़ी है उनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अथवा हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ना के बराबर है। हमें जो सच्चाई है उसको बिल्कुल सच्चाई को फैक्ट्स को देखनी है, तथ्यों को देखनी है। अतः प्रशासन द्वारा निरंतर रूप से इस बिंदु को मॉनिटर किया जा रहा है कि कितना केसेस की संख्या, वो तो देखी जा रही है, साथ में कितने लोग हैं जिनको कोविड रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो रही है। आप लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल में से बात करते होंगे, डॉक्टर से बात करते होंगे, विशेषज्ञों का ये मानना है कि इस पर्टिकुलर वेव पे हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या बहुत ही कम है, परंतु जैसे कहते हैं प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसी के मद्देनजर जो भी क्रम लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि भविष्य में कैसे ये करवट क्या लेगी, किस रूप से लेगी, ये किसी को नहीं पता रहता है। अतः ऑल दिस प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन विद कोविड केसेस इन माइंड, इंक्रीज कोविड केसेस इन माइंड। और हमें ये विश्वास है कि जिस तरह से ये केसेस बढ़ी भी है, जो लगभग 1200 केसेस पर डे हुई है, अगर आप दूसरे वेव में देखेंगे 1800 केसेस पर डे होके हमारी डाउन शुरू हुई थी, तो हम लोग विशेषज्ञों के परामर्श के माध्यम से ये मान के चल रहे हैं कि जो जैसे ये बढ़ रही है तेजी से तो कुछ दिन बाद घटना भी शुरू हो जाएगी। तुरंत बाद ही जो होर्डिंग बैनर्स उतरवाने की जो कार्य है, तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे हो या पब्लिक स्पेसेस पे हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हो, उसके लिए विशेष रूप से दलों का गठन किया गया है, और काफी होर्डिंग्स बैनर्स उतर भी गए हैं, और ये काम वर्तमान में चालू है। पोलिंग भी 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, रैली नहीं होगा, तो इस संबंध में आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो समस्त राजनीतिक दलों को भी अवगत कराया गया है, और 15 तारीख बाद जो भी जैसा निर्देश होगा भारत निर्वाचन आयोग का, तो उसके लिए भी अभी से आवश्यक तैयारी की जा रही है। यदि कोई रैली अगर अनुमति की जाती है तो उसमें कहाँ होगा, कैसे होगा, कितनी क्षमता के साथ होगी, उसको भी देखा जा रहा है। नॉमिनेशन प्रक्रिया में ऑनलाइन नॉमिनेशन करने की सुविधा कैंडिडेट्स को रहेगी, और यदि अगर ऑफलाइन नॉमिनेशन करते हैं तो प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो ही लोग अनुमन्य होंगे और दो ही गाड़ियां उनको अनुमन्य किया जाएगा। ये कुछ क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हो रही है, जो भारत निर्वाचन आयोग ने अन्य स्टेट्स में जो इलेक्शन किया है ऑलरेडी वहां पर ये लागू की जा चुकी है, और इसमें सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम रहेगी, और जो भी वृद्धा और दिव्यांग वोटर है उनको बूथ पर आने का विकल्प तो रहेगा ही रहेगा। और जैसे निर्वाचन आयोग जब अन्य राज्यों में जो चुनाव उन्होंने कराया है वहां पर जो देखने को मिला है, लगभग 5% वोटर ही ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने का विकल्प चुने हैं, बाकी 95% वोटर, 95% वोटर उन्होंने बूथ जाने का ही विकल्प को चुना है।
तो अतः उत्तर प्रदेश में हो सकता है वो बढ़ सकता है घट सकता है, बट जितने लोग भी अगर वो चुनेंगे उसका भी पहले से एक रूट चार्ट निर्धारण किया जाएगा और टीम्स निर्धारण किए जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को सूचना दी जाएगी कि इस रूट में आज की तारीख में पोलिंग पोस्टल बैलेट के लिए टीम्स जाएगी। तो लगभग अगर आप ये मान के चलिए 10,000 कर्मचारी तो पोलिंग डे पे हम लोगों की पोलिंग में ही लगते हैं, और ये भी जितने पोलिंग कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट हमें देना है मोटा मोटी अगर हम परसेंटेज उस पे अगर ले लें तो 10,000 उसमें भी होगा। तो ये उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितना आपको ऐसे महसूस हो रही है, इसकी डिटेल प्लानिंग की गई है। ऑब्वियसली कि जब कहीं भी पोस्टल बैलेट के वोटिंग होगी, मतदान कर्मी हो, दिव्यांग मतदाता हो या ओल्ड एज वोटर हो, सुरक्षा की व्यवस्था तो रहेगी। जो कार्रवाई तुरंत शुरू होने वाली थी वो कल शाम से ही पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू कर दी गई है, जिसमें डिफेसमेंट ऑफ जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर कार्रवाई शुरू की गई है, और इसी तरह अगले 48 घंटे और 72 घंटे में जो कार्रवाई होनी है वो निरंतर जारी रहेगी। हमारा अपना जो असेसमेंट है वो पूरा कर लिया गया है। ज्वाइंट टीम्स, जैसा सुहास ने भी कहा कि ज्वाइंट टीम्स राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों की, उनके द्वारा पोलिंग स्टेशन, पोलिंग सेंटर्स का भ्रमण किया गया है, वहाँ की क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी का को स्टडी किया गया है, और उस सब को ध्यान में रखते हुए पूरे कमिश्नरेट का, जनपद का सिक्योरिटी प्लान तैयार हो गया है। इस सिक्योरिटी प्लान के में जो आयोग के निर्धारित मानक हैं उसके अनुरूप लगभग 8,700 के करीब पुलिस और होमगार्ड, और लगभग वैसे आवश्यकता के ऊपर बड़े महोत्सव के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। इसके लिए एक सुरक्षित वातावरण का सृजन लगातार किया जा रहा है, जिसमें अपराध और अपराधियों पर निरंतर कार्रवाई की गई है। सीमावर्ती राज्यों से कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बैठकें हो चुकी हैं, और अंतर जनपदीय और अंतर्राज्य बैरियर कहाँ कहाँ स्थापित होनी है, हमारा क्या उनके साथ कम्युनिकेशन होगा, किस तरह से ऑफलाइन के माध्यम से होगा और हमारा वायरलेस सेट के माध्यम से होगा, ये सब अपनी जगह निर्धारित हो चुका है। कल जैसे ही आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा की गई है उसके बाद जो कार्रवाई तुरंत शुरू होने वाली थी वो कल शाम से ही पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू कर दी गई है, जिसमें डिफेसमेंट ऑफ जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है, वहां पर कार्रवाई शुरू की गई, और इसी तरह अगले 48 घंटे और 72 घंटे में जो कार्रवाई होनी है वो निरंतर जारी रहेगी। हमारा अपना जो असेसमेंट है वो पूरा कर लिया गया है। ज्वाइंट टीम्स, जैसा सुहास ने भी कहा कि ज्वाइंट टीम्स राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों की, उनके द्वारा पोलिंग स्टेशन, पोलिंग सेंटर्स का भ्रमण किया गया है, इन सबके ठहरने की व्यवस्था, इनका मोबिलाइजेशन प्लान, ये पूरा तैयार हो गया है। कल से एक और डोमिनेशन प्लान शुरू होगा, जिसमें कल से हमारे पास जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आ जाएंगी, तो विभिन्न स्थानों में जो हमारे ऐसे चिन्हित स्थान है जहां पे क्रिटिकलिटी या वल्नरेबिलिटी है, और जहां हमारे ट्रबल मेकर्स हैं, 248 ट्रबल मेकर्स ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, और इन सभी के ऊपर प्रिवेंटिव कार्रवाई पुलिस द्वारा नियमानुसार